हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। फिर से मेरा न्यू एपिसोड पे आप लोग का स्वागत है। तो आज एक्चुअली 7 अप्रैल है। तो आज मैं आया हूँ गुरु तोंगमार लेक, जो कि इंडिया का मोस्ट हाईएस्ट लेक है। जो इसका जो हाइट है 17,800 फीट। तो थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ आप लोग को। ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये पूरा पीछे आप देख सकते हैं, जो पीछे जो ग्लेशियर है वो हमारा जो टिस्टा का मेन सोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा देख सकते हैं, आधा पानी है और आधा फ्रोजन है। तो आप लोग कभी गुरु तोंगमार लेक आराम से विजिट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जगह है, जो कि एक पवित्र लेक है, जहाँ पे जो यहाँ का लेक का जो पानी है, अगर वो पानी को आप अगर पियेंगे तो वो एक मेडिसिन के तरह हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा रास्ता खराब है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा लेक का व्यू दिखाता हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ लेक के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे आना है आपको, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो ये चीज़ के लिए मैं थोड़ा चीज़ आप लोग को इस वीडियो के द्वारा बताता हूँ। तो चलिए, मैं अभी लेक के पास पहुँच चुका हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि ये जो मेरा पीछे जो 1 2 3 4 जो पत्थर रखा है स्टेप, तो ये पत्थर जो बुद्धिस्ट लोग, कोई भी लोग यहाँ पे आके पत्थर को अगर आप ऐसे स्टेप रख के कोई विश मांगेंगे तो आपके विश पूरा होते हैं यहाँ पे। तो एक ये बहुत ही सुंदर लेक है, पवित्र लेक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ नहीं लेके आना है, प्लास्टिक का बोतल यहाँ पे प्रॉपरली बैंड हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आके आपको ये जो पानी देख रहा है आप, जो ये पानी, तो ये पानी ले जाने के लिए आप खुद ही घर से बोतल मैनेज करके लेके आना है। तो जो कि टपरवेयर, मेल्टन, ये सारा बहुत सारा बोतल रहता है, तो ये चीज़ लेके आई। यहाँ पे प्लास्टिक का बोतल बैंड है, तो यहाँ पे आके सिगरेट मत पीजिए। अगर आप हो सके तो यहाँ पे कुछ आके विश करिए, एक होली प्लेस है। मेन चीज़ यहाँ पे आपको बच्चे का जो छोटा उम्र का है तो आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि 5 ईयर से ऊपर ही आपको यहाँ पे अलाउड है। क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा बच्चे है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो आज इतना हवा भी नहीं चल रहा है। तो अगर आप 60 से ज़्यादा एज हो तो यहाँ पे मत आइए, ऑक्सीजन लेवल कम के वजह से आपको थोड़ा तकलीफ महसूस होगा। अगर आप हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट का पेशेंट भी यहाँ पे आना इतना वो तकलीफ हो सकते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ आप लोग के लिए इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो का अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और जगह के बारे में एक्सप्लोर कर सकूँ। तो एकदम यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे आके एकदम ये लेक को पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं। जो कि इसका राउंड शेप है, जो कि इसका सराउंडिंग है लगभग 3.5 किलोमीटर है। तो आप लोग तो यहाँ पे आके घूम नहीं सकते, क्योंकि बहुत टाइम लग जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम जो आप व्हीकल लेके आते हो उतना टाइम आपके पास नहीं होते। बाइक लेने के लिए आपको गैंगटॉक से हायर करना है, तो लगभग वो पर डे का हिसाब रहता है, जो कि 2,000 से 2,500 तक रहता है। तो आराम से आप आ सकते हैं, ये गुरुदोंगमार लेक विजिट करके जा सकते हैं। व्यू भी आपको पूरा दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा है हाइट लेक का जो, तो ये अभी देखिए पूरा आधा पानी है और आधा फ्रोजन हो चुका है। तो ये पूरा देख सकते हैं आप,
आज इतना मौसम अच्छा है कि पूरा ये पानी में जो रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है तो ये पूरा दिख सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी सांस भर रहा है मेरा भी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में हाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। वो तो ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये पूरा देख सकते हैं आप। तो एक्चुअली ये हाँ टिस्टा का मेन सोर्स भी है, तो ये देख सकते हैं। तो ये हाँ पूरा लेक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ का जो पानी है वो आप बोतल पे भर के लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो पानी है हाँ हाँ वो पानी एक मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ एकदम ये होली प्लेस है। तो अभी मैं और अच्छा आपको इसका व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा मैं ऊपर चढ़ते हूँ। चलिए मैं थोड़ा ऊपर जाके आपको इस लेक का पूरा व्यू दिखा दूँगा। तो आप लोग को यहाँ पे एकदम धीरे धीरे चलना है, क्योंकि देखिए हम लोग हर रोज आते हैं फिर भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे हम लोग को भी। तो आज तो एक्चुअली हवा भी नहीं चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग आ सकते हो। तो यहाँ से चाइना खाली 5 ही किलोमीटर है। तो ये पूरा यहाँ पे थक गया। तो अभी मैं पूरा आपका लेक का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने बहुत आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ, तो रिसेंटली मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी तक लगभग कोई भी यहाँ तक नहीं आया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो ये पूरा देख सकते हैं। लाचेन पे गैंगटोक से एक दिन लाचेन स्टे करना है, तो उसके बाद आपको सुबह 6:30 पे यहाँ पे स्टार्ट करिए लाचेन से। तो बीच पे आपको 30 किलोमीटर के बाद एक विलेज है जहाँ पे थंगू बोल के जगह है। तो वहाँ पे आके आप टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आराम से आप लगभग आप लोग 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आके आराम से विजिट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चलते हैं थोड़ा नीचे, मैं जो लेक नज़दीक से मैं पूरा लेक के बारे लेक का व्यू दिखा सकूँ। तो चलिए तो बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हो पूरा। तो ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पानी के अंदर अभी भी पूरा आइस। हाँ लगभग मैं पहुँचा हूँ, लगभग मैं 8:30 को यहाँ पे पहुँचा था, फिर भी अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ हो जाए। बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे आके थोड़ा यहाँ का जो मैं पानी पीता हूँ। तो चलिए thank you.
तो ये है हमारा सिक्किम का जो विशेष लेक, जहाँ पे आपको आके एकदम हेवन ये देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे चढ़ने में बहुत तकलीफ हुआ, इतना सांस भरना है। तो यहाँ पे आपको आके ये ड्रोन वगैरह ऐसा चीज़ नहीं लेके आना है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। बड़ा बड़ा कैमरा आप मोबाइल से शूट कर सकते हो। तो ये पूरा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं आप लोग को रिप्लाई दे सकूं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, चलिए मैं मंदिर के पास भी आपको लेके चलता हूँ। तो ये है मंदिर, ये पूरा मंदिर देख सकते हैं आप, जो कि अभी थोड़ा बहुत गाड़ी भी आया है। जो कि ये बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं, ये जो ये फ्लैग है इसमें पूरा मंत्र लिखा होता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये पूरा देखिए, मंदिर भी है, आप लोग आके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जो कि एक मैप लगाया है, जो कि ये गुरुदोमा लेक है। तो गुरुदोमा लेक के बगल में और भी दो लेक है, तो वहाँ पे जाने के लिए तो अलाउड नहीं है। ये पूरा देख सकते हैं, ये गुरुदोमा लेक का भी जो फोटो है। मज़ा आया आज हाँ लेक पर आकर। तो मैंने पूरा डिटेल तो आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप लोग के और अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो ये होली प्लेस है, आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिए। ये छोटा सा एक स्टेट सिक्किम, जहाँ की ये इसका लोकेशन नॉर्थ सिक्किम पर पड़ते हैं ये। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, इस जगह को मिस मत कीजिए। तो आज हाँ आज के लिए इतना ही। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी जाने का टाइम भी हो गया। पूरा गुरुदोमा लेक का वीडियो मैंने पूरा व्यू भी आपको दिखा दिया। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं। तो आज के लिए सभी लोग को गुड बाय, सभी लोग को गुड बाय एंड जय हिंद।